दोस्तों पोको इंडिया में लॉन्च कर दिया है पोको C31 फ़ोन को। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोको C31 और माइक्रोमैक्स इन वन बी फ़ोन का बारे में। ये दोनों फ़ोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेटर है और कौन सा फ़ोन परचेस करना सही रहेगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़ है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। पोको C31 फ़ोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.53 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसमें एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 80.97% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन बी फोन, इसमें डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.52 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसमें भी एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 82.31% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन का डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम दिया गया है, ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता है। और ये दोनों फ़ोन का कैमरा का बात करें तो पोको C31 फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया, जो प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर का साथ में दिया गया। और जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का साथ में मैक्रो लेंस दिया गया। और जो टाट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। और यहाँ पे बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन बी फोन, इसमें डुअल रियर कैमरा दिया गया, जो प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर का साथ में दिया गया। और जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। दोनों फ़ोन में फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो पोको C31 फ़ोन में 5 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर का साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो इन वन बी फोन, इसमें 8 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर का साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया। दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा में कोई LED फ्लैश नहीं दिया है। तो रियर कैमरा में या फिर दोनों में ऑलमोस्ट सेम कैमरा दिया गया, थोड़ा सा लाइटली बेटर देखने को मिल जाता है पोको C31 फ़ोन में। और सेल्फी कैमरा में या फिर बाजी मान लेता है इन वन बी फोन। दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो दोनों फ़ोन में सेम प्रोसेसर दिया गया, परफॉर्मेंस सेम देखने को मिल जाएगा। दोनों फ़ोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया, मीडियाटेक हेलियो G35 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। ये दोनों प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पर आधारित है, 12 नैनोमीटर पर चलता है। दोनों फ़ोन का OS यूज़र इंटरफेस का बात करें तो दोनों फ़ोन में एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे C31 फ़ोन में, पोको C31 फ़ोन में MIUI 12 दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन बी फोन, इसमें एंड्रॉयड गो एडिशन देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन का वारंट का बात करें तो पोको C31 फ़ोन में 2 वारंट दिया गया, जो बेस्ट वारंट है 3 GB RAM 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो हायर वारंट है 4 GB RAM 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। और यहाँ पे बात करें तो इन वन बी फोन, इसमें भी 2 वारंट दिया गया, जो बेस्ट वारंट है 2 GB RAM 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो हायर वारंट है 4 GB RAM 64 GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है। दोनों फ़ोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। दोनों फ़ोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फ़ोन में सेम बैटरी दिया गया है, 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 10 W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन का USB कनेक्टर का बात करें तो पोको C31 फ़ोन में माइक्रो USB 2.0 दिया गया। और यहाँ पर बात करें तो इन वन बी फोन, इसमें USB Type-C 2.0 दिया गया है, इसमें Type-C देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.0 ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है। दोनों फ़ोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फ़ोन में 4G सिम वोल्टेज देखने को मिल जाता है, 12 4G सिम वोल्टेज देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फ़ोन में फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और दोनों फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन में काफ़ी अच्छा बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। लेकिन दोनों फ़ोन का बैक साइड में प्लास्टिक यूज़ किया गया है। दोनों फ़ोन का प्राइस का बात करें तो पोको C31 फ़ोन में जो फ़ोन का जो बेस्ट वारंट है
3GB रैम टाटा 2GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है। इसका प्राइस 7,999 रुपीज़ पर आता है। और इसका जो हायर वारंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है। इसका प्राइस 8,999 रुपीज़ पर आता है। और यहाँ पे बात करें तो इन वन बी फोन, इसका जो बेस्ट वारंट है 2GB रैम टाटा 2GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 7,499 रुपीज़ पर आता है। और इसका जो हायर वारंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 8,499 रुपीज़ पर आता है। दोनों फ़ोन का प्राइस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 500 रुपीज़ का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। 500 रुपीज़ ज़्यादा है प्राइस पोको C31 फ़ोन का, और 500 रुपीज़ कम प्राइस में मिल जाएगा इन वन बी फ़ोन। दोनों फ़ोन का अवेलेबिलिटी का बात करें तो दोनों फ़ोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इन वन बी फ़ोन ये अवेलेबल है, अभी परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो पोको C31 फ़ोन, ये फ़ोन हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो ये फ़ोन सेल के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। 2 अक्टूबर को इसका फास्ट सेल होने वाला है फ्लिपकार्ट पर। अगर परचेस करना है तो 2 अक्टूबर को परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो बस दोस्तों, यह था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स पोको C31 और माइक्रोमैक्स इन वन बी फ़ोन का। आपको दोस्तों इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेटर लगा और कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोनों फ़ोन इस प्राइस रेंज पर काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया है, दोनों फ़ोन आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज का बात करें तो दोनों फ़ोन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे कि माइक्रोमैक्स इन वन बी फ़ोन में 2-3 चीज़ बढ़िया देखने को मिल जाता है। जैसे कि इसमें आपको सेल्फी कैमरा थोड़ा बेटर देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको एंड्रॉयड गो एडिशन देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड दिया गया है इसमें। और इसमें आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है, ये 2-3 ऑप्शन दिया गया। और इसका प्राइस 500 रुपीज़ कम प्राइस में ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो पोको C31 फ़ोन, इसमें भी 1-2 चीज़ बढ़िया देखने को मिल जाता है। जैसे कि इसमें रियर कैमरा में माइक्रो सेंसर दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। ट्रिपल रियर कैमरा इसमें दिया गया है, उसमें 3GB रैम दिया गया है, और इन वन बी फ़ोन में 2GB रैम 32GB दिया है, और इसमें C31 फ़ोन में 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसमें आप लोगों को ये एक चीज़ बढ़िया देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका प्राइस आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 500 रुपीज़ ज़्यादा प्राइस है इसमें। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों फ़ोन सही में, दोनों फ़ोन आप परचेस कर सकते हैं, दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया। अगर आपको 3GB रैम चाहिए और 32GB इंटरनल स्टोरेज चाहिए तो आप यहाँ पे 8,000 में परचेस कर सकते हैं पोको C31 फ़ोन। अगर आपको 2GB रैम से आप काम चला सकते हैं तो यहाँ पे परचेस कर सकते हैं आप माइक्रोमैक्स इन वन बी फ़ोन 7,500 रुपीज़ में। तो अगर आप लोग 8GB रैम है, सॉरी दोस्तों, जो 4GB रैम वाला वारंट है, यह अगर परचेस करना चाहोगे तो मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको करूँगा, इन वन बी फ़ोन परचेस कर सकते हैं। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है, 8,500 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे बेस्ट वारंट परचेस करना चाहते हैं दोनों फ़ोन का, तो यहाँ पे आपको मैं रिक्वायरमेंट करूँगा पोको C31 फ़ोन परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज का वारंट देखने को मिल जाता है 8,000 में। तो आपको कौन सा फ़ोन बेटर लगा, कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो की यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।